नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस वक्त की एक बड़ी खबर, वसई के गिरीज अंतर्गत अवैध तरीके से प्राकृतिक जल के स्रोत बावखल को बंद किया जाने का फोटो खींचने के चलते आदिवासी एकता परिषद के पालगढ़ जिला उपाध्यक्ष, वसई तालुका अध्यक्ष, वहीं पर्यावरण संवर्धन हेतु हर प्रदर्शन में सहभागी बनने वाले दत्ता सावरे के साथ मारपीट किया जाने का मामला सामने आया है। इस मारपीट में दत्ता सामरे को काफी चोट आई है। वहीं मारपीट करने वाले गुंडों ने दत्ता सामरे के कपड़े भी फाड़ दिए, जो आप फोटो में देख सकते हैं। दत्ता सामरे के ऊपर हुए इस हमले से आदिवासी समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों में खासी नाराजगी भी देखी गई है। आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने वसई पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर अपना निषेध जाहिर किया है। दत्ता सामरे एवं सभी जमा हुए बाकी लोग वसई पुलिस को मामला दर्ज किया जाने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 77